सब किन सुन सकिए प्रभ मिलन निशाने मन तन अरप तज लाज लुकान। लज्जा एक पासे रहना, कोई की आखेगा, पुत्र की आखेंगे, प्यो की आखेगा, पत्नी की आखेगी, पड़ोसी की आखे, ये लज्जा एक पासे रख। जे धन कमाण दे तू शर्म नहीं करता तो धर्म कमाण दे क्यों शर्म कर, फिर लोगों की लाज लज्जा एक पासे रख दे। ये जी लज्जा है ये भी नहीं कुछ कर दे, ये जी लज्जा है ये भी इस रब के मार्ग दिते अगा नहीं चलन दे। तो व्यास ने कहा पुत्र जा तू किसी को ढंग सिख, किसी को तरीका सिख, किसी को उक्ति सिख, किसी को युक्ति सिख। तो सुखदेव कहन लगा बापू होर किस को सिखा। हालांकि व्यास हजारा बंदियां नूं दसदा सी, उहदी संगत करदे सन, पर अपने पुत्र नूं क्यों नहीं दसदा। मैं इतनी अर्ज करदे हां श्रीकाचारी विच विश्वास नहीं बजदा, भरोसा नहीं बजता, जिस तरह डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता। मैं इत्थे देखिया दिल्ली दे च एक डॉक्टर की पत्नी का ऑपरेशन आना सी ते दूजा डॉक्टर कर रहा सी ते आखिर मित्राचारी करके एक दिन मैं पूछ लिया भौगोलिक, दो दफा मैं उहदे कोल दवाई लैन गया नाल दे साथियों दी, ते मैं आखिर सुनिया तुसी नहीं ऑपरेशन किया ते यही ऑपरेशन तुसी कर दे हो सारिआं दे, थोड़ी पत्नी का किसी होर ने किया। कहने कि गैनी जी थोड़े अगो हम की हथ खोलीए, चूंकि हम अपनी पत्नी से ना किधरे लापरवाही हो जाती, क्योंकि ध्यान गैली भाई अपना अपने बंदा, जिथे जितनी नेड़ता होवे उत्थे उतनी अनगैली आ जाती। कदी बगौर मुताला कर लेना, उत्थों मैं अंदाजा लाया दार्शनिक भी है, फिलोसफर भी है, ये मनोविज्ञानी भी है, मेरा डॉक्टर नहीं, इन्हें मन दियां रुचियां पढ़े। कहने जिहड़ा ओपरा है ना दूजा उत्थे ते असीं पूरे सावधान सुचेत। हुण इह अपनी रोज दा इकट्ठ है साडा, ते रंचक मात्र भी किधरे अनगैली आ जाए ते गल गड़बड़ हो जाणी सी। इस वास्ते मैंने ही ऑपरेशन किया, अनगैली आ जाणी सी, हो जाणी सी। तो खिमा करनी जिथे ये आम डॉक्टर दी दुनिया विच ऐसा चलदा है ना, धार्मिक दुनिया च भी ऐसा चलदा है। पिता कालू गुरु नानक तो कोई लाभ नहीं उठा सके, वह नहीं ऑपरेशन कर सके। और इसे तरीके नाल कंस नहीं लाभ उठा सके श्री कृष्ण तो, तृप्ता रोंदी रही कहती रही पुत्र सुदाई है सुदाई है। व्यास तो सारा जगत लाभ उठाता, सुखदेव नहीं उठा सके, पुत्र नहीं उठा सके। बहुत नेड़ता जिहड़ी है ना कई दफा गल नहीं बनन दिंदी, उस नेड़ता दे तरह तरह के ख्याल सामने बाधा बन जाते हैं। पुत्र है भाई, प्यो है या भरा है, पत्नी है, ये संबंध ही ऐसे दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, कुछ गल नहीं बन देते। और जिन्होंने कभी इस ढंग का सिलसिला नेड़ियों देखा उन्होंने जरूर महसूस किया होगा। तो सुखदेव पूछता है बापू तो फिर मैं कितने जावा, भी जनक कोल जा, जनक तैनू दसेगा। सुखदेव कहते जनक वो राजा जिदा सोने का सिंघासन है और सुनिया सोने के भांडे च ही रोटी खाता और सुनिया कदी कदी निरत भी वेख लैंदा। ऐसा पुरश ओ मैनू ढंग दसेगा नाम जपण का सुरत जोड़न का। व्यास कहण लगे हां ओही तैनू दसे, तू जा। हुण चला गया, इन्हें रस्ते च नदी ते च इशनान किया। हुण चूंकि गुरु भावना नाल जा रहे हैं, प्यो जो भेज रहा भाई गुरु है तेरा जा उन्हें गुरु बना, तो हुण गुरु कोल जाना है। तो फिर उन्हें नदी च रस्ते च इशनान किया, पवित्र भावना नाल पवित्र तन नाल जाना। ज्यों पहुंचे ना महलां दे द्वार ते ते जिहड़ा संतरी खड़ा सी पहरेदार उन्हें पहचान लिया, बे व्यास दा पुत्र है, सुखदेव है, वकत दा वड्डा ऋषि है। उन्हें सन्मान किया, प्रणाम किया। ते सुखदेव पुछदा द्वारपाल तो जनक कित्थे है, ते द्वारपाल कहिंदा रसोई दे च ने भोजन छक देगा। कोई इशनान करके आया सी ने ते गिली लंगोटी उन्हें उत्थे द्वार ते रख दिते, वो तुंबड़ी ते सोटी भी रख दिते ते अंदर चला गया। ते जो जांदा रसोई दे च की देखदा, सोने दे बर्तन
ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਸੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਜਨਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਕ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਉੱਠ ਖੜਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਕ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਇਓ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਚ ਖਾਂਦਾ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ, ਕਿ ਖਾਕ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਭੋਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਚੜੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੈਠੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਠ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੁਣਾ ਆਈ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਬੈਠ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਫੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਇਤਨੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਦੁਆਰਪਾਲ, ਉਹ ਭਜੇ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸੁਖਦੇਵ ਫਿਰ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਦੁਆਰ ਪਾਰ ਫਿਰ ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਉਹ ਅੱਗ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਮਹਿਲ ਉਸਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਨ ਅੱਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਪਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਪਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੰਗੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਜਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੂੰਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲ ਜਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਅਜੇ ਸੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੌਣ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਲੰਗੋਟੀ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਐ ਰਿਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੰਗੋਟੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਭਾਜੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲੰਗੋਟੀ ਤੇਰੀ ਜਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜੜ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲੈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਪਕੜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੰਗੋਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪਕੜ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਜਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ।
तू ते फसे है निक्किया निक्किया चीजा ने तेनू रोकया मैनू वड्डिया चीजा ने भी नहीं रोकया गल सिर्फ इन्नी है सुरत जिहड़ी है ना बहुत निक्किया निक्किया चीजा ने सानू रोक रखे है वड्डिया की ते गल छड्डो दरियावां दे रहण कई दफा चटाना करके रुकते ने कंकरां करके नहीं पर साडी सुरत दा वेग ते निक्के निक्के पत्थरां ने रोक रखे है बिल्कुल निक्किया निक्किया चीजा ने कदी बगौर मुताला करके वेखना नाम नाल सुरत नहीं पे जुड़दी अगों पहाड़ नहीं निक्किया निक्किया चीजा वह सुखदेव की लंगोटी तो ज्यादा नहीं होगी बस उन्हीं वो ही नहीं सुरत नूं अगां जाण देंदियां वो ही नहीं सुरत नूं जुड़न देंदियां तां फिर रो पिया सुखदेव कहिंदा राजन मैं थोनू आउंदियां भी राजन कहा ते हुण भी पर हुण मैं थोनू गुरु कहना मैनू शिक्षा दीक्षा दोगे जनक कहिंदा हां जदों योग होवेगा अजे नहीं तू योग गुरु ग्रंथ साहब विच एक इशारा मिलता है कि झूठन झूठ परी सिर ऊपर खिन मनवा तिल न डुलावेंगे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखे योग होवेगा तो सुखदेव नूं महसूस होया हंकारी हां ऋषि होण दा माण है प्यो मेरा ऋषि है हंकार है रसोई दा जिहड़ा पिछोकड़ सी ना पिछवाड़ उत्थे जा बैठा ते जनक दे घरों सैकड़े साधु संत रोज भोजन छकते सन ते भोजन छकाण दा तरीका सी पतलां दे च थानू हिंदुस्तान विच कदी कदी बड़े बड़े भंडारियां दे देखण नूं मिलणगे पतलां दीआं थालियां बणदीआं पतलां दी कौले बणदे ने अज वी है बड़े बड़े मंदरां च जिथे लख लख पंजाह पंजाह हजार बंदा भोजन छके फिर यही करना पैंदा है 400 साल जद गुरपुरब सी श्री अमृतसर साहब दा जयंती मनाई गई समाप्ति करदे हां तो हुण 22 लाख बंदा अमृतसर पहुंचे फिर इन्हां पतलां नाल काम चलाया हुण 22 लाख वास्ते 22 लाख भांडे तो पतलां नाल काम चलाया छेती गल बन जांदी तो जनक दे घर लंगर हुंदा सी रोज साधु संतां तो पतलां नाल काम चलांदा सी रसोई दे पिछे जा बैठा जाप उसने आरंभ कर दिता वह झूठ उसके उत्ते सुट्टी जांदी रही झूठन झूठ परी सिर ऊपर खिन मनवा तिल न डुलाम इन्ना निर्माण हो गया पहले निक्की जिहा गल ते अग बगोला जांदा सी पर अज कोई झूठ उपर सुटदा पै तां वी चुप ठीक है कोई गल नहीं झूठ आखिर जनक दी रसोई दी है झूठ आखिर जनक दे महलां दी ना उस पुरुष दे महलां दी है जिस दे अंदर महलां दी भी पकड़ नहीं और उस बंदे ते झूठ पैणी चाहीदी है जिन्हू लंगोटी दी भी इतनी पकड़ है शर्मसार से कहना पतलां दे थले दब गया पतलां दा ढेर इतना उच्चा हो गया वो विचे दब के रह गया ते जाप आरंभ जद ढेर बहुत होया ते पत्ते चुके जांदे हुंदे सन अज जद सफाई करन वाले पत्तियां नूं चुकण आए ते जनक भी उत्थे खड़े ते कहना ढंग नाल पत्ते चुकना इन्हां पत्तियां दे थले कोई महारिशि बैठा इन्हां झूठे पतलां दे नाल एक ऐसा पुरश पवित्र हो गया जो देख के भी हैरानगी होंदी है इहदे उपर पई है झूठ पर गजब की गल है मन दे उत्ते जिन्नी झूठ पई सी सारी धुल गई बड़ा पवित्र मनुख बैठा है इन्हां झूठे पतलां दे थले इस झूठ दे थले एक महान आत्मा बैठी है ढंग नाल पत्तल चुकने खराश ना पहुंचे चोट ना लगे पत्ते सहजे सहजे हटाए गए थले समाधि च बैठा सी लीन बैठा सी जनक ने उठा के गल ना लाया आखिया हां जब हुण तेनू लंगोटी की पकड़ नहीं रही हुण तेनू महलां की भी पकड़ नहीं और हुण तू जीवन मुक्त है हुण तेनू संसार की कोई चीज पकड़ नहीं सकती तू हर चीज दे कोलों लंघ जाएगा इंज लंघ जाएगा जिवें दरिया लंघ जांदा है ये जनक ने उसनू कथा सुनाई दरिया लंघ जांदा है तो दरिया शमशान घाट दे कोलों लंघ जांदा है एक बगीचे दे कोलों लंघ जांदा है उजाड़ दे कोलों लंघ जांदा है बाजारां दी रौनक दे कोलों लंघ जांदा है शहरां ते कस्बियां दे कोलों भी लंघ जांदा है किधरे रुकदा नहीं जे मरगट घाट दे कोलों लंघदा है तो रोंदा नहीं जे फुल्लां दे बगीचियां दे कोलों लंघदा है दरिया उत्थे हसदा नहीं मुस्कुरांदा नहीं उहदी अपनी रवानी है जे शहरां दे कोलों लंघदा है तां शोर नहीं करदा जे सुनसान रस्तियां चो लंघदा है तां उहदी सुनसानी विच कोई उदासी नहीं पैदा हुंदी उपरामता नहीं पैदा हुंदी उहदा वहिण जारी है
चैन उदों ही मिलता है जब सागर दे चली ना। जनक ने कथा सुनाई, हुण तेरी जीवन दी धारा चाहे रस्ते च बाजार आवन, रौनक आवन, मरगट घाट आवन, किसी दी मौत हो जाए, किसी दा जन्म हो जाए, खुशी हो जाए, गम हो जाए, तेरी जीवन दी धारा हुण चलदी रहेगी, तू दरिया दी तरह होगे, हुण पावन नदी दी तरह होगे, हुण तेरी सुरत नूं कोई रोक नहीं सकदा, हुण इह सौ सागर दे च पहुंचेगी। तो मैं इतनी अर्ज करा, ये सुरत अगां चल सके, ते नाम विच लीन हो सके, ते रस मान सके, ढंग दो ने दम दम सदा समाल दा, दम ना बिरखा जा। एक ए दूजा ढंग है, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन विच ध्यान जोड़ने, वाहेगुरु वाहेगुरु दी धुन अलापनी, ए विच ध्यान जोड़ना। सिर्फ एक पांच मिनट का वक्त कटिया करो सवेरे, ये ठीक है, पांच मिनट दे साढ़े चार मिनट भी नहीं जुड़ सकोगे, एक सैकेंड भी नहीं जुड़ सकोगे, भी देख लेना सवेरे तुसी पढ़ना। ध्यान एक पासे होगा, धुन एक पासे होगा, वाहगुरु वाहगुरु आखना जबान ते होगा, ध्यान किसी होर पासे होगा। पर जे करदे रहे तो अभ्यास पक जाएगा, अरदास करदे रहे तो गुरु की मेहर हो जाएगी, तो गल बन जाएगी। जे गल ना बने तो समझ लेनिया थोड़िया जड़िया इच्छावां ने वह गल नहीं बन देनिया, गुरु ते गल बनांदा है। इंज ना समझना गुरु की बख्शिश किसे वक्त आउंदी है, ये ना सचो सूरज है दे वक्त किसे वक्त अंधेरा आउंदा है ते किसे वक्त रोशनी आउंदी है, इत्थे रात हो गई है ते इहदा इह मतलब नहीं सूरज दे च अंधेरा आ गया, सूरज ते रोशन है, हुण भी किसे नूं रोशनी दे रहे, अठे पैर रोशन है। हां जिहड़ा जमीन दा फित्ता, सूरज तो एक पासे हो जांदा, उत्थे अंधकार आ जांदा, गल सारी जिहड़ी उत्थे परमात्मा हर वक्त बख्शिश करदा है, पर जिहड़ा उसकी बख्शिश तो मूह मोड़ लैंदा बस उत्थे अंधेरा हो जांदा है। ऐसा नहीं वह करोपी करदा, रब करोपी करदा नहीं, करोपी करना जानदा ही नहीं, वह कठोर है ही नहीं। गुरु कदी करोपी नहीं करदा, गुरु कदी सराप नहीं लैंदा, बख्शिश करदा, दया करदा। पर फर्श इतना है, हुण जिहड़ी जमीन का खिता सूरज की तरफ पिट कर बैठे उत्थे अंधेरा हो जांदा है, ते जिहड़ा मनमुख होवे मन दे अधीन चलण वाला होवे गुरु की मेहर तो वांझिया रह जांदा, गुरु की बख्शिश तो वांझा रह जाता है, गुरु की रहमत तो वांझा रह जाता है। और गुरु की रहमत तो खास करके वह जरूर वांझा रह जाता है जो गुरु की इच्छा विच अपनी इच्छा जोड़ता है, गुरु की मर्जी विच अपनी मर्जी जोड़ता है। गुरु कहिंदा इंज कर ते ए आखे नहीं, इंज नहीं हो सकता। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु की इच्छा विच अपनी इच्छा जोड़ दे, गुरु की भावना विच अपनी भावना जोड़, गुरु के हुक्म विच तू राजी रह। ते बाबा फरीद कहिंदे ना अज ही गल बन जाएगी, गल कल दी ते गल ही छड़, परसों की गल ही छड़, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणिया मनो मचिंदणिया। पिछले जन्म विच गल बनेगी, अगले जन्म विच गल बनेगी, पांच दस साल विच गल बनेगी, इस चिंता च कदी ना पैना, इन्हां चक्करां च कदी ना पैना, अज ही गल बनेगी। जे अपनियां इच्छावां नूं एक पासे रख दईए ते गुरु दी इच्छा विच राजी होके जाप आरंभ कर दईए, रस बन जाएगा, आनंद बन जाएगा। पातशाह रहमत कर असी गुरु दी रजा विच राजी रह सकीए ते दम दम दे नाल उसनूं याद कर सकीए, या धुन ते ध्यान दी साधना कर सकीए, तां ओह अवस्था साडी वी बणे, जीवन विचों सारी जिन्नी झूठ है वह सारी लै जाए, उतर जाए, ते महान पवित्र नूर अंदरों प्रगट होए। ऐसा वसीला सतगुरु साडा भी बना, ऐसा माहौल साडी जिंदगी दे च भी बने, और जींदियां जी बने, ताकि असी कह सकीए संसार ते आया होया साडा सफल हो गया। सफल 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 वही यात्रा, आवण जाण रहे मिले साधा। इतने बचन प्रवान करने, मैं चंद मिनट थोड़े ज्यादा भी ले गया, सिर्फ इस वास्ते कि कल शायद तुसी अभ्यास करो, शायद पांच मिनट वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करो, तो फिर कथा कहानियां सुनाईया ठीक, नहीं तो मनोरंजन है बस किवें करना, मनोरंजन वक्त पास करना, इस तो इलावा और कुछ नहीं। जे तुसी आरंभ किया तो फिर ठीक है, तुसी गुरु की इच्छा नाल हुण राजी हो, हुण गुरु के हुक्म नाल राजी हो, क्योंकि गुरु भी यही चाहता है अमृत वेला सच नाम वढ़ियाई विचार। ये गुरु की इच्छा है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अकाए सो भल के उठ हर नाम दे आवे। भुलना चुका माफ, गज वज के फतेह प्रवान करनी।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।